There are six friends, A, B, C, D, E, and F. Each is proficient in one of its game, namely badminton, volleyball, cricket, hockey, tennis, and polo. Each owns a different color car, namely yellow, green, black, white, blue, and red. अब देखो, बहुत अच्छा डाटा है. छः दोस्त हो गए, छः उनके कलर, छः कार्स. असल चीज़ होती है डाटा बनाना. एक बार डाटा बन जाए मसला हल हो जाता है. डी प्लेस पोलो एन ओन येलो कार्ड. सबसे पहले डी का फिल कर दो, पोलो और येलो कार. नॉट वाले को भी भूल जाओ. ई ओन्स अ वाइट कार एन प्लो बैडमिंटन. ई के पास वाइट कार है, बैडमिंटन प्ले कर रहा है. ए प्ले क्रिकेट्स एंड ओन ब्लॉक कार. ए क्रिकेट है और ब्लैक कार है. तो देखो, ए और ये आपका डी और ई, इनका कंफर्म हो चुका है. ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं ई ओन सा वाइट कार, इसका भी हो गया. और बी डज नॉट प्ले टेनिस, इट ओन सा रेड कलर. बी का भी इसलिए कर लो कि कार कंफर्म हो गई है. कौन सी कार है इसके पास? रेड कलर. ये बातें हमारे पास अभी तक कंफर्म हो चुकी हैं. अब कह रहे हैं ई सी डज नॉट प्ले आइदर टेनिस और हॉकी एंड ओन्स नाइदर ब्लू और येलो कार. तो भाई सारी कार्स तो हो गई, ऑब्वियस ही बात है एक ही कार बचेगी और वो हो जाएगी ग्रीन कार. सी के पास ग्रीन कार हो जाएगी. अब एक चीज़ और देख लें कि जो बी डज नॉट प्ले टेनिस, टेनिस नहीं खेल रहा तो देखो हॉकी ही खेल पाएगा वो. इसी तरह सी का वॉलीबॉल हो जाएगा. तो ब्लू कार एफ किस से में आएगी, टेनिस उस किस से में आएगा. क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं. वो प्ले आ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलने वाला, चार्ट तो बन गया है. सी वॉलीबॉल खेलेगा. ठीक है, विच कलर्ड कार्ड एफ ऑन. एफ के पास ब्लू कार हो जाएगी. Which of the following combination of color or car and game is not correct? Yellow polo, green tennis. तो yellow तो polo खेल रहा है, ठीक है, yellow car वाला. Green और tennis नहीं है. देखिए tennis के साथ blue है, green के साथ volleyball है. तो कौन सा option incorrect हो जाएगा? B incorrect हो जाएगा. फिर कह रहा हूँ देखो, असल चीज़ ये बहुत अहम होती है. आपको सबसे पहले ना पेन देना बेटा. जो जो चीज़ें कंफर्म हो गई हैं ना, सबसे पहले उनको टिक करो. देखो सबसे पहले ए का कंफर्म हो गया था आपका, डी सी का और ई का. ठीक है, ये सब चीज़ें इनके कार और कलर शुरू में ही दे दिए गए थे. ठीक है, फिर उसके बाद बी का आपको कह दिया था टेनिस नहीं खेलता, रेड कार खेलता है. यानी इसकी एक बात कंफर्म थी. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई कार कौन कौन सी बच रही हैं. ठीक है, क्योंकि देखें ये सब तो पहले ही हो गई थी. ठीक है, तो सिर्फ वाइट और ब्लू बच रही थी, तो बल्कि वाइट भी हो गई है. ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो डी है इसके हिस्से में एक ही कार आ सकती थी, बल्कि डी की भी कार येलो हुई भी है. तो ये तो आपके सारे हो ही गए मामला. ठीक है, सारे के सारे हो गए. फिर जो एक बचा एफ, तो एफ के हिस्से में क्या आना था? टेनिस और ब्लू कार आना था. ये असल पकड़ना.